सुरक्षा। दोस्तों आपने ये शब्द सुना होगा और ये शब्द जो है हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ये सब आप जानते भी होंगे, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हमारे फैमिली की हो, हमारी हो, चाहे हमारे फोन की हो। दोस्तों MH3 मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा डिवाइस लेके आई है जहां पर वो आपको, आपकी फैमिली को और साथ ही साथ आपके फोन को भी सुरक्षित रखेगा। क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारा सारा डेटा ऑनलाइन रहता है, ऐसी कंडीशन में हमारे फोटोज, वीडियोस और कॉन्टैक्ट नंबर, काफी सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, उस कंडीशन में आपका डेटा कोई लीक हो जाए और मिसयूज हो जाए, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। तो यही सोचकर कंपनी ने ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे आप अपने फोन में डालते हैं तो आपका फोन सेफ होगा, आप भी सेफ होंगे, और सबसे बड़ी बात इस डिवाइस के साथ जुड़कर, MH3 के साथ जुड़कर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ मैम के पास, जो कि MH3 मीडिया से हैं और हमें बताएंगे इस बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स, कैसे बिजनेस करना होता है, क्या ये प्रोडक्ट है और कैसे ये हमारी सेफ्टी करता है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं और साथ ही साथ कंपनी के बारे में। मेरा नाम शशि है, मैं MH3 मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारी जो कंपनी है सर बहुत टाइम से वर्क कर रही है और अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। आपको हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, आप विजिट कीजिए ऑफिस में तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और सर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि आज के समय में आप भी जानते हैं कि सेफ्टी हर किसी को चाहिए, फिर चाहे फ़ोन की हो या फिर अपने खुद की हो या फिर अपने रिलेटिव्स की किसी की भी हो, तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी ही चीज़ों को सोचकर हमने ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है रक्षा कवच। जी मैं चाहूंगा मेरे व्यूवर्स को कि आप सबसे पहले इस डिवाइस के बारे में बताएं कि ये हमारी सेफ्टी कैसे करता है, हमारे फोन की सेफ्टी कैसे करता है। बिल्कुल सर, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि मैं अगर आपको वर्बली मुंह से बताऊँगी तो आपको शायद इतनी चीज़ें समझ में ना आ पाए, उसके लिए मैं आपको डेमो करवाऊँगी ताकि आपको डेमो में अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाए। फिर भी छोटी सी बात मैं कहूँगी कि आप मार्केट में अगर कहीं जाते हैं तो आपका फ़ोन आपकी पॉकेट में रहता है, उस केस में आपके फ़ोन चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके फ़ोन में ये रक्षा कवच है तो आपका फ़ोन चोरी होना तो दूर की बात है, उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये प्रोडक्ट, कि आपका फ़ोन चोरी होने से बचता है। साथ ही साथ अगर आपके रिलेटिव्स घर से बाहर गए हैं, आपके घर की महिलाएं घर से बाहर गई हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अपने फ़ोन के पावर बटन को 6 टाइम प्रेस करेंगी, आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगा, मैसेज आ जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगी, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बहुत ही ज़्यादा यूनिक आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए सर डेमो देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ रक्षा कवच एप्लीकेशन का डेमो। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें 24+ फीचर हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं अलग अलग कंडीशन में। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर और यह है पासवर्ड। पासवर्ड आप अपने मन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, 4 से 5 डिजिट का, ठीक है। उसके नीचे है 2 एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आप किसी का भी फिल कर सकते हैं जो आपकी एमरजेंसी में आपकी हेल्प कर सके। इसके नीचे कुछ और सेटिंग है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। उसके बाद है देखिए ये हमारा जो फीचर है 24+ फीचर, इसमें से मैं आपको एक दो फीचर बताती हूँ कि कौन सा फीचर कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ पॉकेट मोड के बारे में कि पॉकेट मोड कैसे वर्क करता है। आपको क्या करना है, सिंपली इस मोड को ऑन करके कंटिन्यू कर देना है और स्क्रीन को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फ़ोन को पॉकेट में डाल देना है। मैं आपको बताती हूँ एमरजेंसी मोड और एमरजेंसी कॉल, ये जो दोनों मोड हैं ये एक साथ एक्टिव होते हैं। मान लीजिए मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे क्या करना है, ओनली 6 टाइम इस पावर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही मैं 6 टाइम इस पावर बटन को प्रेस करूँगी तो मेरे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल चली जाएगी। अभी मैंने 6 टाइम प्रेस कर दिया है, जो मैंने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट 1 डाला है उस पर देखिए कॉल चली गई है, ठीक है। देखिए कॉल चली गई है, ये उठा के सुन सकते हैं कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। इसी के साथ इनके पास मैसेज गया होगा कि आई एम इन एमरजेंसी, हेल्प मी नाउ। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस फोन में मैसेज आया है, लिखा है आई एम इन एमरजेंसी, हेल्प मी नाउ, मेरी लोकेशन ये है। लोकेशन पे क्लिक करके मैं लोकेशन देख सकती हूँ कि हाँ मेरी लोकेशन जो मैं हूँ वो कहाँ हूँ, ये देख सकती हैं कि हाँ मैं कहाँ हूँ, किस जगह में प्रॉब्लम में हूँ और ये आके मेरी हेल्प कर सकती हैं। देखिए अभी ये आ रहा है और इसी के साथ देखिए
इसी के साथ देखिए बैटरी है कि हाँ मेरे फोन में 93% बैटरी है उस वाले फोन में। इसी के साथ फ्रंट कैमरे से पिक्चर दी गई है कि हाँ फ्रंट कैमरे से पिक्चर कि मैं अभी किसके सामने मुसीबत में हूँ या प्रॉब्लम में हूँ, ये मैम ओपन करके देख सकती हैं हाँ कि मेरे सामने कौन है। ऐसे ही मेरे फैमिली वाले अगर मैं उनका नंबर डालूंगी तो वो देख सकते कि हाँ मैं किसके सामने प्रॉब्लम में हूँ या मेरे सामने कौन है। ये देखिए फ्रंट कैमरे से पिक्चर क्लिक होकर सेंड कर दी गई है। मेरे सामने कैमरे वाले सर थे तो उनकी पिक्चर क्लिक करके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज दी गई है। ऐसे ही जो भी सामने होगा जिस पर जो भी पर्सन सामने होगा उसकी फोटो क्लिक करके आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ देखिए हमारे इसमें अभी मैंने आपको दो ही फीचर के बारे में बताया, इसी के साथ हमारे पास 24+ फीचर है जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों आपने डेमो देखा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे फीचर्स हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हमारे लिए बेनिफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो सेफ्टी की बात हो गई, लेकिन मैम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसके साथ जुड़कर बिजनेस कैसे किया जाए। सर देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एड्रेस और आपको नंबर वगैरह सारी चीजें दिखेंगी, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, बट डिस्क्रिप्शन की बात मैंने इसलिए की कि आपका अगर पटना से है, मान लीजिए आप बिहार साइड से हैं, तो आपको ऑफिस विजिट करना है तो आप हमारे पटना की ब्रांच ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बताऊंगी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट मैनेज करने के लिए दिया जाता है, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप अकेले मालिक रहते हैं, जहां पर आपको कंपनी के साथ जुड़ने पर एक साल का एग्रीमेंट भी मिलता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। आपको मार्केटिंग मटेरियल भी सारी चीजें आपको यहां से प्रोवाइड की जाती हैं। जी मैम आपने जैसे कहा मार्केटिंग मटेरियल, तो मैं जानना चाहूंगा कि मार्केटिंग मटेरियल में आप क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। सर मार्केटिंग मटेरियल में आपको पैम्पलेट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, टी-शर्ट्स हैं, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, बैनर, कैनोपी, जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल रहेंगी। तो गाइज आपने देखा मार्केटिंग मटेरियल जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को एक लेवल तक जाने के लिए मार्केटिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन काफ़ी सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं, रीज़न होता है कि कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल पाता, कंपनियां अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो आपकी कंपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए क्या करती है? सर देखिए कस्टमर सपोर्ट के लिए हम आपको दो मैनेजर असाइन करके देते हैं, ताकि अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम आप अपने मैनेजर से शॉर्ट आउट करा सके। सेकंड मैनेजर जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपके एंड ऑफ कस्टमर्स के लिए, यानी कि जिनको आप सेल आउट कर देते हैं प्रोडक्ट, उनको अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उन मैनेजर्स को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। सर देखिए जब भी आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से वैसे भी आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन, आपको ट्रेनिंग के सारी चीजें समझाई जाती हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है वो काम करते हैं, कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे, कैसे इसको सेल आउट कर पाएंगे। तो यानी कि मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ आपको भी कस्टमर सपोर्ट भी आपको सारी चीजें यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। मैम अगर कोई नया पर्सन किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर काम स्टार्ट करता है तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि ये कंपनी कहीं नई तो नहीं है या फिर इनका पहला कस्टमर मैं ही तो नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो मेरा जो मेन क्वेश्चन है आपसे ये है कि आपकी कंपनी के साथ ऑलरेडी कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं, कहाँ कहाँ से आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एंड आप बता रहे थे कि आप जो है आउट ऑफ कंट्री भी बिजनेस करते हैं, उनके बारे में मेरे को बताएं। सर ये बात बिल्कुल सही है कि आज हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, जहाँ और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमारे साथ लोग जुड़कर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुके हैं। जब आप कॉल करके पूछेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी खाली होगा, अगर आपके यहाँ से कोई नहीं होगा तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ कंट्री की, तो सर साउथ अफ्रीका से, नेपाल से और दुबई से भी हमारे साथ कस्टमर जुड़ चुके हैं, जो भी हमारे साथ बिजनेस अभी वो वर्किंग में कर रहे हैं। जी मैम यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई इस बिज़नेस के बारे में, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसका हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी इंतज़ार होगा कि अगर इस बिज़नेस को हम स्टार्ट करना चाहें तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। सर देखिए अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो आपको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जुड़ते हैं तो आपको मात्र 50,000 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट रहता है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1,00,000 से 5,00,000 से 10,00,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट
आप हमारी कंपनी के साथ जब जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ मात्र 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि सर देखिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है 1-2 लाख की पेमेंट कर पाना, तो इसलिए हमने एक कम से कम अमाउंट रखा है 50,000। और उसमें भी आपको बुकिंग अमाउंट देना रहता है जिसमें 5,000 आपका बुकिंग अमाउंट रहता है, बाकी की पेमेंट आप तब कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाए, तो ये फैसिलिटी पे आपको यहाँ से अवेलेबल है। तो देखा गाइस, यहाँ पर आप मात्र 50,000 की लागत पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक बन सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको 50,000 एक साथ नहीं देने हैं, आपको सिर्फ 5,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना है और प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाए उसके बाद आपको पूरा पेमेंट करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है मैम की और इस कंपनी की। तो मैम, हमने बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहूँगी कि आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर आपको ऑफ़िस विज़िट करना है तो आप ऑफ़िस में विज़िट कीजिए, मोस्ट वेलकम है आपका हमारी ऑफ़िस में। आप ऑफ़िस आइए, सारी चीज़ें देखिए, पूरी ट्रेनिंग लीजिए, समझिए, देन उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। जी, तो देखा गया, यहाँ पर मैम ने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पर आप आएँ, सीखें, उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करें। गाइज, बहुत सारे माइंड में आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, कॉल कर सकते हैं आप उनसे, सारे जो क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं आपका, वो सारे क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो भी बिजनेस ठप होते हैं, एक ही रीज़न होता है कि लोगों को प्रॉपर बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, मार्केटिंग का आइडिया नहीं होता कि कैसे इसको करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर MHB आपको प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि MHB हमेशा आपके लिए काम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में हमें बता दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।